नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करके दिखाना, यही है हमारा काम। दोस्तों, मैं हूँ राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें ये एक सेब का पौधा है और ये कोई ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल हमारा गर्म क्षेत्र है जो कि झारखंड में स्थित है। और साथ ही सबसे खास बात यह है कि ये गमले में लगाया हुआ है। दोस्तों, काफ़ी सारे किसान भाई या जो ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि बागवानी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, वे अपने छत पर टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं और सेब के पौधे से सेब तोड़कर खाना चाहते हैं। उन्होंने हमसे काफ़ी बार पूछा और कहा और हमसे सेब के पौधे भी खरीदे। उनका सबसे पहला बात यह था कि क्या सेब के पौधे हो पाएंगे या पौधे होंगे या सिर्फ पौधे ही होंगे या उसमें फल भी खाने को मिलेगा। उन्हीं के बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा क्यों ना चलिए आप लोगों के लिए भी हम सुविधा कर देते हैं और आप लोगों के लिए स्पेशली हम ये टेस्ट करके दिखाएंगे, ये प्रैक्टिकली आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि गमले में भी सेब उगाया जा सकता है और वहाँ पर काफ़ी अच्छा साइज भी बनेगा और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा ही रहेगा। तो जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, ये मात्र एक साल का पौधा है, ठीक है, और ये 8 महीने के बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, सिर्फ 8 महीने बाद। गमले में कैसे सेब के पौधे को लगाना होता है, इसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और वही ये सेब का पौधा है जिसको हमने गमले पर लगाया था और इसी का अपडेट आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितने अच्छे प्रकार से फ्लावरिंग हो रखी है। और साथ ही आप देखे होंगे कि यहाँ के जो फूल हैं काफ़ी लंबे चौड़े और मोटे हैं। दोस्तों, ऐसे ही फ्लावरिंग चाहिए होती है। अगर फूल का साइज जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा चांस बढ़ जाता है आपके सेब के पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने का। साथ ही आपको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सेब का पौधा देख रहे हैं इसमें हमने प्रूनिंग नहीं किया था, इसमें बिना प्रूनिंग किए हुए ही इसमें फ्लावरिंग आई हुई है। और ये थोड़ा देर पहले स्टार्टिंग में हमने ये वीडियो शूट किया था, उसके बाद हम जो आपको पहले में दिखाया वो थोड़ा सा बात का अपडेटेड वीडियो है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी शाखा पर फूल आ रही है और फूल का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है। अगर ऐसे ही बड़े साइज़ के फूल आएंगे तभी इसमें अच्छे प्रकार से जो फ्रूट है वो बन पाते हैं और सेटिंग भी काफ़ी अच्छे प्रकार से हो पाती है। फूल जितना बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा और जितने ज़्यादा पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा उतनी अच्छी प्रकार से जो पोलिनेशन की प्रक्रिया है वो हो पाएगी। जो भी किसान भाई दोस्त हमारे इस वीडियो पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेटिंग कर देते हो तो आपके पास हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो सूचना आपके पास पहुँच जाएगी और ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख पाएंगे जिससे कि आपको कहीं ना कहीं लाभ की अनुभूति अवश्य होगी। इसी चैनल में हम वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताते रहेंगे कि इस जो यह जो सेब का पौधा में फ्लावरिंग आ रखी है इसमें किस प्रकार से कितने अधिक फ्रूट सेटिंग हो पाती है और इसमें फ्रूट का साइज़ कैसे रहेगा। तो चैनल पर बने रहिएगा और हमारे लगातार वीडियोस को देखते रहिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये वही पौधा है जिस पर कि फ्लावरिंग आ रखी है, ये हमने आपको थोड़ा सा ऐड करके दिखा दिया है कि ये पौधा कैसे पहले दिखता था और अब इसमें किस प्रकार से फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रखी है। एक बार पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है उसके बाद आपको कभी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें किस प्रकार से जो कीट पतंगे होते हैं इनके द्वारा पोलिनेशन का कार्य किया जा रहा है। तो अगर आप इस समय अगर आप कोई भी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो ये सारे कीट जो कीट पतंगे होते हैं छोटे बड़े ये पोलिनेशन नहीं कर पाते हैं और ये मर जाती हैं, जिस कारण से आपको आपके पौधे में कम फ्रूट सेटिंग देखने को मिलती है। तो इस समय आप कभी भी कोई भी कीटनाशक का प्रयोग ना करें। सबसे ज़्यादा डर रहता है पानी देने में कि कितना पानी दिए, क्योंकि अगर इस समय हम पौधे को ज़्यादा पानी देते हैं तो जो फूल है वो सारे झड़ जाएंगे और आपको फ्रूट सेटिंग नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इस समय आपको पानी इतना ही देना है जितना कि आपको लगे कि हाँ मॉइस्चर मेंटेन है। और अगर आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है तो मल्चिंग अवश्य करें, और मल्चिंग कैसे करना होता है आप हमारे पिछले वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा और साथ एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। किसान भाइयों, ये जो आप सेब का पौधा में फ्लावरिंग देख रहे हैं ये फ्लावरिंग अभी का नहीं है, यानी कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन ये जो फ्लावरिंग है ये जनवरी के एंड में शुरू हो चुकी थी। और इसमें अभी मैं जो भी अपडेटेड वीडियो है वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में दूंगा, अभी बस आप ये फ्लावरिंग किस प्रकार से हुई है इसको देखें। और साथ ही मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी भी फ्लावरिंग हो रही है काफ़ी सारे पौधों में, तो उनमें भी जो फ्रूट सेटिंग है अभी भी हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि अगर आप छत पर बागवानी करना चाहते हैं, टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो वहां पर भी सेब के पौधे लगेंगे और इसमें फ्रूट भी सेट होंगे और फ्रूट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप कौन सा रूट स्टॉक चूज़ कर रहे हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं और कम जगह में अधिक फ्रूटिंग करना चाहते हैं तो आप M7 या M9 रूट स्टॉक को चुनें। मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा या एम्फोसाइज करूँगा M9 रूट स्टॉक के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्वार्फ रूट स्टॉक रहता है और इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती नहीं है सीडलिंग रूट स्टॉक के जैसे। तो आप M9 रूट स्टॉक का चुनाव करें तो आपको एक ही साल में इस प्रकार से फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों,
अगर आपको पौधों की ज़रूरत है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पौधों की जो बुकिंग है वो जुलाई से शुरू हो जाती है, तो आप दिए गए नंबर में कॉन्टैक्ट करके अपने पौधों को बुक करा सकते हैं और पौधे अपने घर में ऑर्डर कर सकते हैं। फलदार पौधों की खेती सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर अन्य फलदार पौधों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो स्क्रीन पर आ रहे इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है जो कि आपके ज्ञान को खेती में और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी।